हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम तीन तरह की कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। मक्के के आटे की, गेहूं के आटे की और चावल के आटे की कचौड़ी। तो आप देखते रहिए कि हम कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्के के और चावल के आटे की कचौड़ी। तो ये देखिए, ये हमने प्याज ले ली है और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें और ये धनिया, ये थोड़ी सूखी मिर्चें और ये नमक, हम इसमें ये मिलाएंगे सारी चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, ये सब हमने आलू में मिला ली हैं ये सारी चीज़ें। गरम मसाला भी मिला लिया है हमने, ये सारी चीज़ें मिक्स करके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मक्का का आटा, इसमें हल्का सा हम नमक डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हम इसे माड़ेंगे इस तरीका से। देखिए फ्रेंड्स, ये हम मक्का की कचौड़ी बना रहे हैं। आप बना के देखना है इन्हें, ये बहुत टेस्टी होती हैं और ये बहुत जल्दी बनती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कचौड़ी तैयार है। अब हम तेल में इसे ये हमारा तेल हो रहा है, इसमें हम डालेंगे अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कचौड़ी तैयार है, ये हमारी मक्का की कचौड़ी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीका से ना बना पाए इसे, तो इसमें थोड़ा सा आटा सादा मिला लेना और इसे गर्म पानी से खींच लेना, अगर आप ऐसे ना बना पाओ तो। नहीं तो ये बहुत आसानी से बन जाती है, वैसे कोई भी बना लेगा इन्हें। ये देखो, ये हम नमक डाल रहे हैं इसमें, ये हमारा चावल का आटा है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चावल का आटा तैयार है। अब चलो हम कचौड़ी बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चावल के आटे की, देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे चावल की आटे की कचौड़ी तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गेहूं का आटा ले लिया है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी नॉर्मल कचौड़ी है, ये तो ज्यादातर सभी के घर में बनती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तीन तरह की कचौड़ियाँ तैयार हैं। ये हमारे मक्का के आटे की, ये चावल के आटे की और ये हमारे गेहूं के आटे की।
तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।